अब हम भारत के 140 करोड़ नागरिकों के सामने अपना नया संकल्प पत्र प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिस संकल्प पत्र को आज हम जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उसे तैयार करने में बड़ी एक्सटेंसिव और कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज भी की गई है। संकल्प पत्र समिति के पास तीन माध्यमों से सुझाव आए। पहला, रथ के माध्यम से सुझाव हमारे पास आए। दूसरा, संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा पार्टी संगठन के माध्यम से सुझाव आए, हम तक पहुंचाए, और बड़ी संख्या में ऑनलाइन इनपुट्स भी हम तक आए। 4 लाख सुझाव नमो ऐप के माध्यम से भी आए। करीब 10 लाख सुझाव वीडियो के माध्यम से आए। ऐसे करीब 15 लाख से अधिक सुझाव समिति के पास आए हैं, जिनकी स्क्रीनिंग करके हमने उनकी समरी तैयार की है। उनमें से मुख्य मुद्दे ढूंढे गए और उस पर चर्चा हुई कि इन मुद्दों पर हम क्या कर सकते हैं। इस बात पर भी विचार हुआ कि हम जो संकल्प लेंगे उनके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। यह विषय केंद्र का है या राज्य सरकारों से जुड़ा है या समवर्ती सूची का है, इस विषय से जुड़ी कोई स्कीम चल रही है या नहीं और इसका हमारे मित्र देशों पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा, यह भी सावधानी बरती गई है। सभी बातों पर बहुत ही गंभीरतापूर्वक विचार हुआ है। साथियों, हर विषय की 360 डिग्री एनालिसिस करने के बाद हमने विषयों को 24 ग्रुप्स में बांटा है, 24 ग्रुप्स में से बांटा है। इनमें से 10 सोशल ग्रुप्स बनाए गए, जिनमें गरीब, युवा, मध्यम वर्ग, नारी शक्ति, किसान, श्रम शक्ति, मछुआरे, एसएमईज, विश्वकर्मा स्मॉल ट्रेडर, वंचित वर्ग, सीनियर सिटीजन एवं सबका साथ सबका विकास, जिसमें समाज के अन्य पिछड़े व कमजोर वर्ग शामिल हैं। इसी तरह जीवन और गवर्नेंस के जुड़े मुद्दे के 14 सेक्टर में बांटा गया है इन्हें, और इनमें पहला है विश्व बंधु, जिसमें भारत के अन्य देशों के साथ संबंध की बात की गई है। फिर है सुरक्षित भारत, जिसमें भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का विषय है। तीसरा है समृद्ध भारत। चौथा है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। पांचवां, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। छठा, ईज ऑफ लिविंग। सातवां, विरासत का विकास। आठवां है गुड गवर्नेंस यानी सुशासन। नवां है स्वस्थ भारत। दसवां, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ग्यारहवां है खेल का विकास। बारहवां है सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास करना। तेरहवां है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, और चौदहवां है सस्टेनेबल इंडिया, जहां पर्यावरण से जुड़ी हुई बातें हैं। हमारे संकल्प पत्र का हर संकल्प मोदी की गारंटी से युक्त है। मित्रों, आज भारतीय राजनीति में मोदी की गारंटी 24 कैरेट सोने जितनी खरी मानी जाती है। इसलिए मुझे कहने में रंच मात्र भी संकोच नहीं है कि हमारा संकल्प पत्र भारत ही नहीं, दुनिया के राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो के लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। और मुझे पूरा विश्वास है जिन संकल्पों को हम यहां रख रहे हैं, वह 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को जहां यह आकार भी देगा, वहीं यह विस्तार भी देगा, और उसे साकार करने में भी यह मददगार साबित होगा।